हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 हम इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट क्या है दिस एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया एज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंट मीडिया इज एक्सप्लेन अंडर दिस एक्ट ये मीडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कहा जा सकता है क्योंकि जो प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है वो इसी के अंदर समझाया गया है इस एक्ट के अंदर अंडर प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज़ मैगजीन्स जनरल एंड बुक्स इज़ डन इस एक्ट के अंदर हमें जो न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन होता है न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करा के ही हम न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं न्यूज़ मैगजीन्स का रजिस्ट्रेशन जनरल का और बुक्स का रजिस्ट्रेशन इसी एक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है हमें जी उसके बाद एवरी बुक शैल कैरी अ लाइजल प्रिंटेड नेम ऑफ प्रिंटर एंड प्लेस ऑफ़ प्रिंटिंग सेक्शन थ्री जो इस एक्ट का सेक्शन थ्री है उसमें ये कहा गया है कि जो भी बुक प्रिंट होती है उसमें नेम ऑफ प्रिंटर और प्लेस ऑफ प्रिंटिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ये इसका रूल था जो सेक्शन थ्री में बताया गया था उसके बाद सेक्शन फाइव में कहा सिमिलरली एवरी न्यूज़पेपर शैल कंटेन द नेम्स ऑफ द ओनर एंड एडिटर डेट ऑफ पब्लिकेशन विच शैल बी प्रिंटेड क्लियरली ऑन एवरी एडिशन सेक्शन फाइव में हमें ये क्लियर uh, किया गया कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर प्रिंट होता है तो उसमें ओनर का नेम एडिटर का नेम डेट ऑफ पब्लिकेशन साथ में क्लियरली एवरी एडिशन में पब्लिश करी जाएगी तो ये सेक्शन थ्री में हमें बुक्स के बारे में उसके समझाया गया कि अगर आप बुक प्रिंट करते हैं तो नेम ऑफ़ प्रिंटर और प्लेस ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए उसमें पब्लिश और अगर सेक्शन फाइव में कहा गया है एक्ट के अगर आप कोई न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं पब्लिश करते हैं तो ओनर एडिटर का नेम डेट ऑफ पब्लिकेशन वो बहुत हर एडिशन पे बहुत क्लियरली पब्लिश होना चाहिए ये इसमें समझाया गया था आप गाइज आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर किस वीडियो का पी ले सकते हैं साथ ही अगर आप पूरे यू जी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको कोई मटेरियल बुक्स चाहिए तो उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं मीडिया लॉज अभी हम कवर कर रहे हैं मीडिया लॉज की जो ए के मिश्रा की बुक है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं तो वीडियो पे वापस आके बताते हैं कि इन दिस एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इज एक्सप्लेन इन डिटेल मींस तो so, वही होता है कि हमें न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट करना न्यूज़पेपर क्या होता है तो आर एन आई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं वो और उसके राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में जो है इस एक्ट के अंदर डिटेल में समझाया गया है इट वॉज़ एम्ड एट कर्बिंग फ्री स्पीच इंट्रोड्यूसिंग सेवरल प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स इफ़ एन इंडिविजुअल वॉन्टेड टू स्टार्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक न्यूज़पेपर पेपर एट्सेट्रा मीन्स ये जो एक्ट था इसमें एक क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल न्यूज़पेपर या कोई बुक पब्लिश करना चाहता है तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए क्या कुछ उसका प्रोसीजर होता है वो सब इस एक्ट के अंदर समझाया गया है एक्सप्लेन किया गया है एवरी इंडिविजुअल रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग बुक्स और न्यूज पेपर शेल ड्यूली मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन हूज टेरिटोरियल जुरिस्टिशन द प्रेस फॉल्स मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल प्रिंटिंग प्रेस जो है रन कर रहा है या फिर कोई बुक्स पब्लिश करने की uh, मतलब बुक पब्लिश कर रहा है न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है उस प्रिंटिंग प्रेस से तो उसको इसके बारे में जो डीएम है आपकी जगह का जो सबऑर्डिनेट हैसडीएम है डीएम है उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत अनिवार्य है बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट विल बी एन ऑफेंस इफ अ पर्सन हैड अप्लाइड फॉर द टाइटल ऑफ न्यूज़ पेपर बट हैड नॉट वर्कड इन प्रोग्रेस दैन इट विल बी कैंसल्ड मीन्स अगर आपने किसी न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए उसका टाइटल तो मतलब आर एन आई से ले लिया है लेकिन उसके आगे की कार्यवाही आपने नहीं करी है मतलब जो उसके न्यूज़पेपर्स आपको आर एन आई को मतलब जो आपके बाकी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने न्यूज़पेपर पेपर आर एन आई को नहीं दिए हैं साथ ही आपने रजिस्ट्रार को सॉरी जो आपका एस डी एम है डी एम उनको नहीं दिए हैं आप मतलब आपने टाइटल लेने के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं करी है एक साल के अंदर तो आपका जो वो न्यूज़पेपर का टाइटल है वो कैंसिल कर दिया जाता है फिर आपको अगर आपको कोई न्यूज़पेपर का टाइटल लेना है तो फिर उसके लिए आपको दोबारा से वर्क करना पड़ेगा इट्स एन ऑफेंस टू पब्लिश टू न्यूज़ पेपर विद अ टाइटल मीन्स अगर आप दो न्यूजपेपर एक ही टाइटल के साथ चला रहे हैं तो वो भी एक ऑफेंस होता है एक गुनाह होता है मींस जैसे कि अगर कोई हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़पेपर है और दूसरा न्यूज़पेपर भी हिंदुस्तान टाइम्स से चल रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग मतलब आप सेम टाइटल के दो न्यूज़पेपर नहीं चला सकते बट अ न्यूज़पेपर कैन बी पब्लिश इन मैनी अदर लैंग्वेज मतलब लेकिन एक न्यूज़पेपर कई लैंग्वेज में पब्लिश किया जा सकता है लाइक like हिंदुस्तान टाइम जो है एक नाम से कई लैंग्वेज में पब्लिश किया जा सकता है लाइक हिंदी इंग्लिश उर्दू बंगाली जिस लैंग्वेज में भी आप चाहें हर लैंग्वेज में उसे पब्लिश कर सकते हैं इट इज़ मैंडेटरी टू

कि जब आपका न्यूज़पेपर एवरीडे पब्लिश होगा तो उसकी एक कॉपी आप रजिस्ट्रार को और दो कॉपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड करेंगे लास्टली वायलेशन ऑफ द अबव कैरीज़ अ पेनालिटी ऑफ मैक्सिमम टू थाउजेंड रुपीज और सिंपल इंप्रिजमेंट फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ सिक्स मंथ मीन्स जो भी रूल्स मैंने आपको बताए पर एक्सप्लेन किए उनका अगर आप ऑफेंड करते हैं वो वैसा नहीं करते हैं तो आप पे क्या जुर्माना लगता है इन सब का वायलेशन करने पर आपको पेनाल्टी लग सकती है टू थाउजेंड रुपीज़ की मैक्सिमम और साथ ही आपको सिंपल नॉर्मल इम्प्रजमेंट भी हो सकती है छः महीने की ये पूरा आपका जो प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1867 जो एक्सप्लेन किया गया था आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को शेयर करिए थैंक यू सो मच